पापा इतनी नाराज है तुम्हारी अम्मा कि तुम्हें लेके भेज दिया पानी हमें देने है? पापा वो जाओ कह दो उनसे, छोड़ो कुछ कहने की जरूरत नहीं जानता। पापा आज पूजा है ना घर में, तो माँ पूछ रही थी कि साड़ी कौन सी पहने। हमसे कहा है पूछ रही का साड़ी पहने, जो मन में आए पहन ले साड़ी। पापा वो मुझे गलत फहमी हो गई है। क्या गलत फहमी हो गई, साड़ी पहनने में कैसी गलत फहमी है भाई? माँ कह रही थी कि आपको गलत फहमी हो गई है कि वो। अरे सुनो शांत होके जरा समझाओ क्या कह रही हो। पापा का? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे तो पहले समझ लो फिर बात करना, इतनी देर से लगी हो यहाँ पे। निम्मी कहाँ पर है? मार्केट गई है। तो फिर तुम यहाँ खड़ी खड़ी काय कर रही हो भाई, नीचे पूजा है जाके तैयारी करो चलो। हाँ। निम्मी अभी तक मार्केट से क्यों नहीं आई, वरना वो ही पापा से बात कर लेती। मैं तो पापा का चेहरा देख के ही डर गई थी। अच्छे से जानती यार, मत क्या कर ऐसे, मैं अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ। अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। आइए ना। नमस्कार। नमस्कार। आइए। कैसे हैं आप? बस बस बस। सब ठीक? जी बढ़िया सर जी। अरे घंटिया तुम लोगों की अकल क्या घास चरने गई थी? दामाद जी को बिठाने के बजाय उनसे हंसी ठट्टा कर रही थी। घंटिया, ये घंटिया कौन है? ये है हमारी घंटिया। तो तुम हो घंटिया? अब खड़ी काहे हो, जाओ अपने जीजा के लिए शरबत नहीं लाओगी का? जी दादी बुआ। ओहो, अब घंटिया को कैसे समझ में आएगा कहाँ कहाँ रखा है ना? तो हम ही ले आते हैं, अभी ले आते हैं। लीजिए दामाद जी। नहीं चाची जी, मैं नहीं लूंगा। ना बेटा सुबह से इंतजार कर रहे थे। घर में सब ठीक है? सब ठीक है पापा। घर पे तो सब ठीक है अंकल, बस आपके दामाद बाबू ही ठीक नहीं थे। क्यों? मुझे क्या होना है? अरे आपकी वाइफ यहाँ है तो आप वहाँ ठीक कैसे हो गए? नहीं वो आज का मुहूर्त निकला तो आज ही लेने आना था ना, अगर दो दिन बाद का मुहूर्त होता तो दो दिन बाद आता मैं। अच्छा जी, तो फिर उस रात को, मेरा मतलब है उस दिन सुबह फोन, जब फोन किया था तो वो क्यों किया था? अब बताइए बताइए मट्टी, तू मेरे साथ प्लीज पैकिंग करने चलना। अरे गुड़िया ये क्या करेगी, चलो हम तुम्हारी पैकिंग करवा देते। आओ। हाँ जी। अरे जीजा जी आप तो कुछ ले ही नहीं रहे। अब नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने भी व्रत रखा है? नहीं वो मैं किसके लिए व्रत रखूंगा? हाँ किसके लिए, मतलब मेरे लिए ही रख लेते।
जीजा जी, आज ऑफिशियली तो आप हमारे घर पर पहली बार आए हैं ना, तो चलिए मैं आपको रिया दीदी का कमरा दिखाता हूँ। अरे अरे साहिल तुम, अरे मम्मी चिल मारो, ये नई जनरेशन है और हम सब में ना सब कुछ चलता है। चलो क्लास ऐसे का है? पानी नहीं पिया का पापा ने? तुमने पूछा उनसे कहा कौन सी साड़ी पहने हम पूजा के लिए? वाह वो पापा ने कहा कि आपका जो मन करे वो साड़ी पहन लो। हे भगवान, इसका मतलब वो बहुत गुस्से में है। तुमने उनको पूछा, वो सब बताया कि हम काहे उनसे बात नहीं कर रहे, उनकी शक्ल नहीं देख रहे हैं, वो पंडित जी वाली बात बोली? कोशिश तो की थी पर का क्या हुआ? वो पापा की गलत फहमी, वो ये भगवान, एक औलाद ऐसी मिली है जिसको मुंह बंद करके चुप कराना पड़ता है, और एक औलाद ऐसी मिली है जो एक सब ठीक से बोल नहीं पाती। ऐसे पर हमारी झोली में ही डाल देते आपको साड़ी। हमको पता है उनको कौन सी साड़ी पसंद है, हम वही पहनने के। तुम मुझे किस लिए भेजा था? लाइन कैसे एक सांस में बोल गई? तो एक चटक कर देंगे तुम, जाओ यहां से। अरे सला कर रही है? अरे अब क्या करेंगे अम्मा, घर का काम करने के अलावा है कोई कर रहे हैं? अब सबकी किस्मत अच्छी थोड़ी होती है भाभी की जैसी। तो चिंता काहे कर रही है, तेरी अम्मा जिंदा बैठी अभी तक। अच्छा अब ये रोना धोना गाना बंद कर और खुशखबरी सुन, तेरे चंद्रहार का ऑर्डर दे दिया। सच्ची अम्मा, तो तुमने भाभी को भैया से मिलने से रोक लिया? अरे हमने ऐसा चक्कर चलाया कि रघुआ खुद ही खुशिया से बात नहीं कर रहा है, और हम है ना थोड़ा थोड़ा घी डालते रहेंगे आग में। वाह अम्मा तुम कितनी अच्छी हो। तेरी अम्मा अच्छी नहीं, चालाक भी है। हाँ, चालाक तो तुम हो। अब हम अगले दाव की नींव डालने जा रहे हैं, शाम को तमाशा देख लेना। खुशिया नाम की चिड़िया को हमने अपने जाल में ऐसे फंसाया, अगर छूट भी जाएगी ना तो उड़ने से डरेगी। अम्मा कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमें, क्या करने वाली हो तुम? तो जल्दी आ जा और खुद ही देख लेना, रखते हैं। ठीक है अम्मा। रिया दीदी, जीजा जी मुझे कुछ काम याद है, मैं अभी आता हूँ, आप बैठो तब तक। आओ अब। सॉरी। क्यों? तुम्हें मार्केट में अकेला छोड़कर मैं आ गया था ना, तो उसी के लिए। It's okay. कुसिया, ओ कुसिया। हाँ अम्मा जी, क्या हुआ? तूने ठान रखी है ना कि अम्मा जी की नाक का ऑपरेशन करा दूंगी? क्या हुआ? अरे कहा नाक नहीं कटेगी, कितनी बार का दिन में चार साड़ी बदली कर नहीं है, हर तालिका का व्रत रखा है ना। लेकिन इतनी साड़ी कहाँ है हमारे पास? अभी अभी तो शादी हुई, शादी में इतनी साड़ियां तो आई। अच्छा, फिर से हाथ फैला रही है हमारे सामने। वो सारी साड़ियां वो अलमारी में बड़ी वाली रखी है ना, स्टोर रूम में, तो चाबी। वो सब काहे कर रही है? ऊपर जा, बौरिया की अलमारी खोल और निकाल ले साड़ी।
अब बहुरिया सारी साड़ियां तो ना ही लेके गई होगी, जो भी पसंद आए पहन ले। ना माँ जी, या किस अलमारी कैसे खोल सकते हैं? जैसे अपनी अलमारी खोलते हैं ऐसे ऐसे खोल के देख के पहन ले। अरे चोरी करने को थोड़ी कह रहे, घर का सामान है, घर में तो सब एक दूसरे की चीजें इस्तेमाल करते हैं, पहनते हैं क्या? नहीं नहीं अम्मा जी, वो तो बहुरिया के कपड़े हैं तो हम। कहाँ कुसिया कैसे बात कर रही है? कभी तू बहुरिया की साड़ी पहनेगी, कभी बहुरिया तेमाई साड़ी पहनेगी। अभी तो फर्क कर रही है बेटी में और बहू में। अगर निमो की साड़ी होती तो पहन लेती ना, 10 बार सोचती। तो फिर कहाँ है बहुरिया की साड़ी है, नई नई साड़ी, सब मजे लो है। ऐसा लगे तो कभी बहुरिया को तू नई एक साड़ी दिलवा देना। तो अच्छा चल चल चल, तू हमारे साथ चल, आ जा जा, चल जा तू हमारे आगे है, तू तो छोटी है, फस फस चल, आ रहे हम पीछे पीछे, जा जा खोल खोल, आ रहे आ रहे आ रहे। उसिया भी बहुरिया की साड़ियां कैसे तुम्हारी मुसीबत बनती है तू देख। लेकिन तुम ऐसे अचानक से गुस्सा क्यों हो गए थे? मुझे गुस्सा नहीं आया था, बस थोड़ा अजीब लग रहा था कि अपनी वाइफ की शॉपिंग के लिए मेरी जेब में 1200 रुपए तक नहीं। इतनी सी बात? अरे तुम्हारे पास नहीं थे तो क्या हुआ, मेरे पास तो थे, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ शिवम, मुझसे ले लेते। और ऐसे ही तो हम अपनी लाइफ चलाएंगे, जब तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी, आधा आधा करके शेयर करके हमारी लाइफ कंफर्टेबल और स्मूथ चलेगी। अच्छा तुम मानती हो रिया, मैं नहीं। नहीं शिवम, मेरा मानना है कि अगर घर चलाना है तो उसके लिए पति को कमाना है, वो घर संभाल सकता है। अरे शिवम नहीं, मैं मानता हूँ कि वाइफ और हस्बैंड एक बराबर है, उनका हक एक बराबर है, लेकिन घर चलाने के लिए हस्बैंड को कमाना चाहिए ना। नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा तुम्हें लगता है। अच्छा ये सब बातें ना हम बाद में आराम से बैठ के फुर्सत में करेंगे, अभी अभी ये बताओ कि मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत ही खूबसूरत है ना, पता था मुझे कि मैं आज बहुत अच्छी लग। अच्छा कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो रही हो तुम? Obviously, ओवर कॉन्फिडेंट तो मैं हूँ, क्योंकि आज का दिन ही ऐसा है, बहुत स्पेशल। आज के दिन ना हर मैरिड औरत अपने हस्बैंड के लिए सचती है, सबरती है और फास्ट रहती है। क्या हुआ? अब कुछ नहीं, वो फास्ट की बात की ना तो अचानक से याद आ गया कि सुबह से भूखी हूँ, कुछ खाया नहीं। तो कुछ खा लो ना। नहीं मुझे नहीं खाना। क्यों? क्योंकि जब आप किसी से प्यार करते हो, ये छोटी छोटी चीजें करने में ना आपको बहुत खुशी मिलती है। हाँ वो मुझे पता। कुछ नहीं पता है तुम्हें, बिल्कुल भी कुछ नहीं। अगर पता होता तो ऐसे थोड़ी आते मुझसे मिलने। मेरे लिए गिफ्ट लेके आ, आए मेरा गिफ्ट। नहीं चाहिए कोई, तुम आ गए ना, माफी है मेरे।